मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू। पठाने खान को ख्वातीन व हज़रात, जब मैंने पहली बार सिर्फ आवाज़ इनकी रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से सुनी तो एक अजीब कैफियत मुझ पर तारी हुई। अगर लफाजी ना करूँ और सादे लफ्ज़ों में बयान करूँ तो ये इनका सूफियाना कलाम सुनकर मैं बेख्तियार बहुत रोई। उसी वक्त मैंने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान टेलीफोन किया और मैंने कहा, जी मुझे बताइए कि ये कौन साहब हैं। पता चला कि ये उभरते हुए फनकार पठाना खान हैं जिन्होंने पहली बार रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से गाया था। तो आज मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि लोक वर्से वालों ने मुझको इनके तारुफ़ के लिए यहाँ पर बुलाया है। खैर, पठाना खान का तारुफ़ मैं क्या करवा सकती हूँ, बड़ा छोटा मुंह बड़ी बात है। बहरहाल थोड़ी सी बात मैं इनके बारे में करूँगी कि लोग पूछते हैं पठाना खान का घर कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है। तो मेरे ख्याल में कि इनका घर इनके चाहने वालों का दिल है। निस सदी से ये लोगों के दिलों पर और शहरों को मैं समझती हूँ कि फतह करते हुए ये अपनी ज़िंदगी के 63वें साल में हैं। क्यों सही, 63 साल उम्र थी गई जी। छुपाते हैं वैसे ही उम्र अपनी, थोड़ी सी नहीं छुपाने की क्या बात है। तो इतना ही अंदाज़ा है, अंदाज़ा है। अच्छा, एक बात इनकी है पठाना खान की कि इनको सन और तारीखें बिल्कुल याद नहीं हैं। इसे जब भी पूछो तो कोई वाकया इनको याद होता है। खैर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि मकसद है पठाना खान को से बातचीत करना। अच्छा सही, नाम ज़रा मुझे बताना, पठाना खान असल नाम है? बेटी, मुझे अम्मा ने बात सुनाई जी, बेटा तू बीमार था, मासूमियत में तो नाम तेरा गुलाम मोहम्मद था। अच्छा, तो एक बच्ची मासूम ने कहा ये नाम बहुत बारा है, इसका नाम हल्का फुल्का रखो, नाम पठाना, इसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। सही, इश्क क्या करें? इश्क तो ऐसी एक मुकद्दस बेटी बात है जी कि खुदावंद करीम ने खुद किया। इश्क न करते तो ये जहां है जमाना क्या होता। पहली बारी कदें गाया है? जी जी हाँ, पहली बारी में हजरत दरबार पे काफी वही गाना। अच्छा जी हाँ, हजरत निजामुद्दीन पाक सरकार शाह सुलेमान रहमतुल्लाह सरकार जी। अच्छा, उर्स पे गाया? जी उर्स पे। अच्छा, उस समय फिर समा होंगे भी। अच्छा, बड़े अच्छे लोग सुन लोग आए उन्होंने। अच्छा, बादशाह जी सूफी का कलाम पेश करना, हजरत मोहब्बत करने हजरत फरीद रहमतुल्लाह जी कलाम रहा। तो रेडियो पे कैसे आए फिर? रेडियो दे ये मतलब ये रोशनी की दुनिया में कैसे आए? हाँ, दुनिया की रोशनी जी आए जी रेडियो दे सारे मेरे दोस्त सन मेरी अपना शमसुद्दीन से बट। अच्छा, इस वक्त कराची। अच्छा, लाहौर जन बशीर अहमद साहब। अच्छा, या इन्हें सुना जी एक बंदा है गांधे सिंध दे किनारे दूते काफी गांधे। अच्छा, एक लैंड के ना मैं भी गल गई हूँ सदियों ने मैं लगा गया मैं गाय हूँ उनको 5000 रुपया दिता। अच्छा जी हाँ, पहला पहली फीस जी हाँ 5000 रुपया दिता ने भी और रौनक लग गई। असें खुश काफ़ी उन्हें इ कट दी जी तुसा सुनी है तो आखिए जो मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू ये भी मैं सुना उन्हें मेरे को रिकॉर्ड कर दे। चलो यही अमन बाबा बन दे मेरी इज्जत नहीं घटती
मैं कुनत के यार माने जो थी साता दिल बर्दी मैं को अल्फी गल वेच पावन दे अपनी तोड़ निभाने मजा इश्क तू मेरा यार तू मजा इश्क तू मेरा यार तू मेरा दिल तू ईमान तू मेरा मस्जिद मिंबर मुसहफ ते प्रणाम तू तना